मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के मधुली धरमदास इलाके में मंगलवार की देर शाम आपसी विवाद में स्थानीय लोगों ने महादलित परिवार के घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया। इस चाकूबाजी की घटना में मुनिल राम की मृत्यु हो गई, वहीं उसके पिता बिंदेश्वर राम, चाचा रामेश्वर राम, भाई सुनील राम घायल हो गए। परिजनों एवं पुलिस की मदद से घायलों को शहर के अलग अलग निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चाकूबाजी की घटना को लेकर 8 नामजद और 10 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। मृतक मुनिल राम के भाई महेश के बयान पर पुलिस ने एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य आदमियों की तलाश जारी है। मेरे दूरा के सामने से जा रहा था और मेरे चाचा थे दुआरी पे बैठे हुए थे और उसके बाद वो पैर पे चढ़ा दिया और उसके बाद मेरे चाचा जी बोले पैर पे क्यों चढ़ा दिया, दिखाई दे नहीं देता है क्या। और उसके बाद वो गाली गलौज वो करने लगा, उसके बाद बोला है कि मेरे चाचा बोले कि इसके बाद तुमको जाने नहीं देंगे इसके बाद यहाँ से, ये मेरा अपना पर्सनल निजी जमीन है, जाने का रास्ता नहीं है इसमें। उसके बाद वो बोल रहा है कि हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, इसमें कौन क्या कर लेता है। उसके बाद घर जाने के बाद वो अपना भाई सबको बुला के ले आया, उसके बाद उसमें जितना भी दस्तगीर था, आलमगीर था, सगीर था, यही 8-10 आदमी और जिनको नहीं रस वही सब था। और उसके बाद में वो सब बांस बल्ला लेकर आया, तलवार वलवार लेके आया, डायरेक्ट मेरे चाचा जी पे हमला करने लगे। इसी के क्रम में हम लोग निकले बाहर, बीच बचाव करने के क्रम में उसका दस्तगीर का भाई आलमगीर नाम है उनका, वो चक्कू निकाले यहाँ पे भोंक दिए मेरे भैया को। हम देखे उनको पलट बहते हुए तो उनको अति किया, उसके बाद फिर दोबारा जब चलाने लगा ना तो हम ऐसे हाथ से उसको कर लिए, हमको लगा कुछ डंटा है लेकिन मेरा देखे बाद में तो कटा हुआ है, भैया का भी है। और उसके बाद मेरे अंकल जी रमेशा राम है उनको भी छुरा से यहाँ पे बार किया गया है, जिसमें 3 आदमी घबराए थे, जिसमें से एक आदमी मेरे भैया मुनील राम उनका मृत हो गया है और वो 2 आदमी घायल है, 1 आदमी डेड हो चुके हैं। अभी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और एक चिन्हित दोषी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, बाकी दोषियों को पकड़ने के लिए पुलिस की दबिश प्रारंभ कर दी गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस उपाधीक्षक नगर एवं सभी पुलिस के पदाधिकारीगण एवं पुलिस बल लगातार इस मामले की छानबीन एवं दोषियों को पकड़ने में अपना कार्य कर रहा है। हम लोग इस दुखद घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं, घायलों का इलाज चल रहा है और जिला कल्याण की ओर से जो राशि इनको दे है, क्योंकि मामला एक अनुसूचित जाति जनजाति परिवार के एक सदस्य के मृत्यु की है, हत्या की है, इसलिए इसमें जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से दे राशि है वो आज ही हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको दिलवाए।